अमेजोन के किन मार्केट्स में हमें जाना चाहिए? अगर आपके पास 10 से 15 हजार डॉलर हैं तो आप लोग जाना चाहिए आपको यूके की मार्केट में। आपको 20 हजार प्लस डॉलर हैं आपके पास, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, तो आपको यूएस में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेली के ऑर्डर 300 से 200 से 300 ऑर्डर आते हैं आपको यूएस में, बड़ी मार्केट है। तो आपको बड़े मार्केट्स में जाके प्रोडक्ट सेल करना पसंद है, इन कि छोटे मार्केट में। मिसाल के मिसाल दे रहा हूँ आपको, ट्रेडिशनल मार्केट में मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक बंदा एक छोटे सिटी में छोटी दुकान खोलता है, एक बंदा आके किसी बड़े मार्केट में दुकान खोलता है, जाता है क्या कहते हैं सेंटोरस या किसी बड़े मॉल में अपना दुकान खोलता है, इस्लामाबाद के किसी ना ब्लू एरिया में जाके मकान दुकान ओपन करता है। तो वहां पे आपको ज्यादा बजट की जरूरत होती है कंपेयर टू आप किसी ना किसी छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे आप लोग जाके बिजनेस करते हैं। तो इसी तरह एमेजोन का जो मॉडल जो है पीएपीएल करना चाहते हैं यूएस में, तो आपको ज्यादा बजट की जरूरत होगी। यहाँ पे ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे आपको एमेजोन यूएस के लिए, आपको फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यूके में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, और तीसरा बड़ा मार्केट जो है वो जापान का है, जापान के मिलेंगे आपको, तो फ्रांस है उसके बाद। इसी तरह आपको हर मार्केट प्लेस में आपने जाके पीएल करना है। आपने मिसाल तौर पर आपने अमेजोन का पीएल के लिए अवेलेबल के लिए हमने जो बिजनेस करने के लिए यूएस में ओपन किया है, तो मैं यूएस के जितने भी पूरा जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आते हैं उन सब में सेल कर सकता हूँ। मैं यूके में अपना अकाउंट बनाऊंगा, मैं फ्रांस में भी सेल करूंगा, इटली में भी सेल करूंगा, मैं जर्मनी में भी करूंगा। सेल ग्लोबली का ऑप्शन होता है, हमने सेल ग्लोबली करना होता है और उसी मार्केट प्लेस में अपने इन्वेंट्री को भेजना होता है, हमने सारे मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी तरह यूएस में भी कर सकते हैं हम, यूएस में अपने सेल ग्लोबली इनेबल करेंगे तो आप कनाडा में भी भेज सकते हैं उसी प्रोडक्ट को। ये फायदे हैं अमेजोन के, ये मार्केट प्लेसेस हैं। इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर किस तरह अकाउंट बनाते हैं कल हम